कपल जो हैं उनके लिए आज के समय में बड़ी एक कॉमन एक प्रॉब्लम आ रही है। तमाम मेरे व्यूवर्स मुझे सवाल लिख रहे हैं कि सर कपल्स जो हैं उनको एक समस्या है कि वो किसी भी होटल में अगर जाते हैं तो उनको पुलिस परेशान करती है, कुछ संगठन हैं वो आ जाते हैं, वो तंग करते हैं, माँ बाप को बुलाने की धमकी देते हैं और कहीं ना कहीं ये उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में सर अपना ओपिनियन आप दीजिए। तमाम मुझे वीडियोज़ मिले हैं, सॉरी मुझे मैसेजेस तमाम मिले हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट मिले हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी जानना चाहा। सवाल इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा कि इस विषय पर एक वीडियो जारी करके देना चाहिए। हालांकि एक शॉर्ट में एक वीडियो बहुत पहले हम इस विषय पर दे चुके हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि इस विषय पर भी बताया जाना चाहिए क्योंकि विषय लीगल है, इसलिए बताया जाना भी आवश्यक है और मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो इस विषय पर है कि आप जो आप कपल हैं, जो भी आपकी जो महिला मित्र हैं उनके साथ अगर आप होटल जाते हैं और आपको कोई तंग परेशान करता है तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, और आपको कोई तंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कोई आपको तंग करता है तो उसके विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, आज का टॉपिक ये रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ये कानूनी एक प्रक्रिया है, ये कानून है, ये मेरी निजी राय नहीं है, इसको मेरी निजी राय के तौर पर ना लें, इसको कानून के तौर पर लें, क्योंकि आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही जो चौधरी लीगल एसोसिएट है मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप लोग चौधरी लीगल एसोसिएट का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम लगातार आप लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। वहाँ भी आप फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो उसको शुरू करते हैं। कई लोगों ने, कई साथियों ने लिखा है और बड़ा कॉमन सवाल लिखा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वैलेंटाइन वीक चल रहा है और लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोग जब किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में समस्या होती है तो वो सोशल मीडिया पर जाकर उसका इलाज ढूंढते हैं, और क्योंकि हम कानून जानते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको कानून क्या है इससे अवगत कराएं, इसलिए इस वीडियो को लेकर आना पड़ा। हालांकि कई साथी जो हैं वो संस्कृति के नाम पर मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ केवल कानूनी बात कर रहा हूँ और विचार जो हैं वो मेरे निजी नहीं है, मैं कानून आपको बता रहा हूँ। तो जब आप किसी महिला मित्र के साथ होटल में जाते हैं या आप कपल हैं आप होटल में जाते हैं, तो जब कोई कपल होटल में जाता है तो सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बालिग हो। कपल यानी दो पार्टनर हैं, उन दोनों का बालिग होना ज़रूरी है। बालिग यानी कि 18 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुके हों और उनके पास आयु संबंधित प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कम से कम आधार कार्ड अपना बिल्कुल असली, बिल्कुल जेन्युइन आधार कार्ड अपने साथ रखें। डरने झिझकने की ज़रूरत नहीं, अपनी ओरिजिनल आईडी जो है उसी पर अपना रूम बुक करवाएं। और रूम बुक कराने के बाद जब आपने पैसे दिए, आप रूम में हैं तो होटल के और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपका जो आप होटल में हैं तो उस वक्त आपकी एक राइट टू प्राइवेसी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी बताया गया है, जो आपका फंडामेंटल राइट है। क्योंकि आपके और होटल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे में आप मान लीजिए वहाँ पुलिस आती है, आपको तंग करती है, परेशान करती है, तो पहली बात तो पुलिस आपको तंग परेशान नहीं कर सकती क्योंकि आप दोनों बालिग हैं और हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की छूट होगी। ये आपका फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की छूट होगी। और ये बताया गया है कि बालिग व्यक्ति जो हैं उनके वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकेंगे, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है वो बताता है कि देश में सबको समान अधिकार होगा, सबको समानता का अधिकार होगा, यानी बालिग व्यक्तियों को जो भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार आपको भी होंगे। आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान का इस बात की अनुमति आपको देता है। तो कानून आपके हक में है, कानून आपके फेवर में है। कोई भी पुलिस वाला, पहली बात तो पुलिस हो या कोई संगठन हो, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो आपका फ़ोटो नहीं खींच सकता, आपका वीडियो नहीं बना सकता, आपसे गाली गलौच नहीं कर सकता, आपसे अश्लीलता नहीं कर सकता, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसका विरोध करें, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाएं। अब आप कहेंगे कोई संगठन है उसके विरुद्ध तो रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन कोई पुलिस है, पुलिस वाला है तो उसके विरुद्ध हम कैसे रिपोर्ट लिखाएंगे? तो मैं आपको बता दूँ कानून सबके लिए समान है,
अगर कोई पुलिसकर्मी भी अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग करता है और जानबूझ करके आप बालिग हैं, आपको तंग परेशान करता है, तो उसके विरुद्ध भी आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। आप थाने में आकर रिपोर्ट दें, आपकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, पुलिस और प्रशासन को। अगर वो भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो आप अपने जो भी आपका जिला न्यायालय है वहाँ जाकर अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उस पुलिसकर्मी या जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं उनके विरुद्ध न्यायालय में FIR के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए न्यायालय उनके लिए FIR के आदेश जारी करेगा और संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी FIR होगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आपका जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जितनी भी देश की अदालतें हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं, सारी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के अधीन चलती हैं। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आपका गार्जियन है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो सारी अदालतें आपकी फंडामेंटल राइट्स की गार्जियंस हैं, आपकी रिपोर्ट 100% दर्ज होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बेझिझक डरे नहीं, जाएं, अपनी ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है, अपने हिसाब से जिएं। बाकी आप समझदार हैं, बालिग हैं, मैं कोई आपको समझाने वाला आपका टीचर नहीं, आपका मेंटर नहीं। क्या करना है, क्या ज़िंदगी के फैसले लेने हैं, डिसीजन क्या है, वो आपका अपना होगा। कानूनी राय मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। बाकी आपको लगता है कि कोई परेशानी अगर रह गई है, मैंने कुछ डिस्कस तो मैंने बहुत किया, लेकिन आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप लोग मुझे लिख करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।